इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आपको देख के कुछ स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो ये आप देख लीजिए कि जो कॉस 1/cos² है, ये तो sec स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगनी चाहिए कि इसे हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा आपका 1 - tan x² dx। अब यहां आप देखिए sec स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, tan x का, लेकिन अगर हम 1 - tan x का डेरिवेटिव देखें तब भी तो वही आएगा, तो क्यों ना हम पूरे को t मान लेते हैं, है ना। तो जब पूरे को t मान लोगे तो क्या आएगा, ये लेट आप लिख लोगे 1 - tan x = t, क्या हो जाएगा, -sec² x dx = dt हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो sec² dx है ना, या तो यहां माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, या इस वाले माइनस को हम यहां ले आए, कोई एक काम कर ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका sec² x dx = -dt हो गया। अब हम क्वेश्चन को वेरिएबल t में कन्वर्ट करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका -dt, क्योंकि sec² x dx को आप -dt लिख रहे हो, और नीचे क्या हो जाएगा t² हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या कर लोगे, माइनस बाहर कर लीजिए, और t² को t^-2 लिख लीजिए, dt हो जाएगा। अब ये x^n का फॉर्मूला यहाँ प्लेस हो जाएगा, वो क्या होता है आपका, दैट इज माइनस बाहर है और ये अंदर हो गया t^-2 + 1/-2 + 1, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस सी, ठीक है, ये कितना आएगा आपका t^-1 आएगा, नीचे भी -1 होगा, ये -1 और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम 1/t + c, ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर तो हुआ नहीं आपका, क्योंकि t आपका डमी वेरिएबल है, ओरिजिनल वेरिएबल से आप इसको रिप्लेस करिए, तो t आप क्या एज्यूम किए थे, 1 - tan t, तो ये आ गया आपका 1 - tan t, और प्लस ये इनडेफिनिट कांस्टेंट आपका c हो गया, दैट इज योर फाइनल आंसर।